ये देखो ये पानी पहाड़ों का आ रहा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैंपिंग लाइफ विद जितेंद्र। आज हम लोग ग्वालियर के नज़दीक एक पिकनिक स्पॉट है और एक शिव जी का मंदिर भी है जिसका नाम है भदावना। आज हम लोग वहाँ पे पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो देख चलते हैं, आप भी देखते हैं कैसा क्या सीन है वहाँ का और कितनी क्या हरियाली है। अभी बरसात शुरू हुई है तो देखते हैं कितना क्या सुंदर, एक तरह का जंगल भी है वो, जो कि मैं हमेशा देखता हूँ, जंगलों को ज़्यादा लाइक करता हूँ मैं, तो वहाँ जाएंगे और देखेंगे उसका नज़ारे को। आप भी एंजॉय कीजिए साथ में, मिलते हैं फिर भदावने में। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अपने जगह पर। यहाँ पर इस जगह का नाम है भदावना। ये ग्वालियर जिले के कोटिला एक गांव है, उसमें पड़ता है भदावना। एक शंकर जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, जिसका हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं आज पिकनिक मनाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि हमारी गांव पार्क है, यहाँ पर ये खड़ी है एक, आप इसे तो हर एक ब्लॉग में देखते ही रहे हैं। और एक ये खड़ी है जो पिछले ब्लॉग में जब हम लोग जोधपुर गए हुए थे तब देखा था ये आपने। और ये फुल फैमिली हमारी लगी हुई है, देख रहे हैं आप। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी सुबह नाश्ते की तैयारी की जा रही है और चलते हैं अपने भदावने पे, जो वाटरफॉल है वहाँ पर देखते हैं चल के। ये जो रोड थी यहाँ से हम लोग कार को यहाँ पार्क की हुई है पीछे साइड में, और हम लोग जा रहे हैं भदावने की ओर जहाँ वाटरफॉल हो रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों कितना प्यारा दृश्य।
एक तरफ पहाड़, जंगल, ये इमली का पेड़, आम के पेड़, देख रहे हैं साथियों कितना प्यारा और सुंदर मनमोहक दृश्य है ये। यहाँ से थोड़ी दूरी पर गांव है, वहाँ के लोगों ने यहाँ पर भी खेती कर रखी है, जगह देख करके, समतल जगह देख करके, अन्यथा यहाँ पर अधिक से अधिक दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। वो जो पथरीली पहाड़ी जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये पूरी सरकारी जगह है। यहाँ पर लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार गाड़ियों के लिए जगह बना रखी है। जो बदावनी में शिव जी का मंदिर है उनका प्रांगण आ चुका है ये। यहाँ पर भंडारा बनाने की, भंडारा परोसने की, खाने पीने की, हवन वगैरह की जगह है। आज संडे का दिन है जिस कारण से काफी भीड़ है आज। लेकिन जितनी भीड़ होती है साथियों, हम आप कभी भी सफाई का ध्यान नहीं रखते। ये देखिए कचरा, देखिए एक बारिश से ही चारों तरफ हरियाली हो चुकी है। पनीर के टुकड़े खत्म कर लिए, पनीर पकौड़ा खत्म, पनीर टुकड़ा रह गया, आलू बड़ा उधर है, आलू बड़ा उधर है, पनीर पकौड़े खत्म, ब्रेड तो चल रहा है। ये थाली धोके रखना। आपको कैसा महसूस हो रहा है पनीर पकौड़ा खाते हुए? ये देखिए भाई, ये लग गया, क्या बन क्या रहा है भाई? हेलो सत साहेब, ये सुने नहीं, क्या क्या बन क्या रहा है ये? काली दिखाई दे रही है पूरी। ब्लॉगर पूछ रहे हैं कि भाई इसमें क्या डाल रहे हो? नवीन इतना गोरो है, इतना कार दिखाई दे रहा हूँ ना जिसकी कोई लिमिट नहीं। आओ सही बता रहे, बिल्कुल मोई मोह नहीं दिख रहा, बाकी
टी शर्ट तो देख लो। ये देखो जहाँ कारे कारे गोरे दिखाई दे रहा है भैया, अपने हिसाब से सेटिंग कर रखी है मैंने। ब्रेड पकौड़ा बनाने की तैयारी। देखो भाई मेरे को लग रहा पूरी किचन इधर ही खड़ी है। ये अब गोरे, अब तो गोरे दिखाई जा रहे हैं। सेल्फी लेते नहीं ना हम, देख मारे हैं। अभी हम लोग बदामनी को जा रहे हैं, बदामना वाटरफॉल। एक रास्ता यहाँ से भी है, यहाँ से ही पहले चलते हैं। अभी पहली या दूसरी बरसात हुई है, देखते हैं वाटरफॉल कैसा हो रहा है, चल रहा है या नहीं। हाँ चल तो रहा है साथियों। देखिए साथियों, शैलेंद्र और ओमकार भी यहाँ खड़े हैं। ये देखिए हाँ भाई, क्या चल रहा है? पानी भर रहे हैं। पानी भर रहे हैं, साफ है पानी। जल्दी आई, ये प्रकृति का प्राकृतिक पानी है बिल्कुल। लेकिन साथियों, जैसा कि हर बार बताता रहा हूँ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, ऑल ओवर इंडिया में गंदगी सबसे पहले देखने को मिलती है। ये आप देखिए, मतलब ये साबुन वाबुन लगा के नहा रहे तो गंदा तो वही हो होगा वो तो। चलो दोस्तों, एंजॉय करते हुए।
चलो सेल्फी वाले को सही आता है। वो वहां पे भी देखो, वहां तो खाना बना के पहुंच गए लोग। वाह, गाड़ी पहुंच गई वहां तो। वहां कहां जा रहे अभी? साथ ही हम लोग बदामले का भी ऊपर साइड में आ गए हैं। यहाँ से जंगलों का पूरा पानी इकट्ठा होते हुए यहाँ से और यहाँ से नीचे गिरता है। ये झरने का स्रोत है। वाह, ठंडा पानी भाई। जहां से जाओ, जहां से धीरे धीरे संदीप भैया साथ में। Yeah.
गहरा नहीं है ना, गहरा नहीं है। ये देखो एक ऋषि जो तपस्या करते हैं झरने में। ये पानी पहाड़ों का आ रहा है। अरे पानी भर के रख दिया। वाह दोस्तों मजा आ गया भाई, नहा दोगे? हाँ भाई नहा लिया। यस सिक्स पैक दिखा रहा क्या? अरे नहीं ये देखो भाई, ये क्लिप मत डालना, मैं बता रहा हूँ पूरी पूरी जाएगी। ये देखो बिना किसी पैक के पैक है ये। ये और थोड़ा सा मोटा होने की कोशिश करें, दिख रहे हो? दिखाओ ऐसे करके, ऐसे करो। पैक होगा पैक, एक पैक, ये एक पैक, दूसरा पैक फैमिली पैक। हवा मस्त आ रही भाई, अभी हवा चलने लगी भाई। देखिए बादल चारों तरफ से बादल हो रखे हैं, लेकिन बादल क्या है, छोटे छोटे बादल है। बारिश होनी चाहिए इस समय तो मस्त। यह एक धार्मिक स्थान भी है जो कि शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पर कई लोग, कई श्रद्धालु लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद भी आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु लोग हैं यहाँ पर, बहन बेटी भाई लोग बच्चे बूढ़े सभी लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर इनका आने का रीज़न ये भी है कि मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, दूसरा यहाँ पर वाटरफॉल है जो कि बिल्कुल सेफ एरिया है, किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है, जिस वजह से लोग यहाँ पर पिकनिक के तौर पर भी आते हैं। कृष्णा आगे नहीं लेके जाना, बैक ही साइड में रखो। ठीक है ये मोबाइल लगे ना संगे, अरे हो जाते चला जा, वीडियो बनाएंगे ना, स्पेस नहीं होगी तो अपने आप मना कर देगा वो। अरे लगन वाटी आ जाओ, प्लानिंग करते हुए
देखियो विजय सिंह जी आ रहे हैं। चश्मा तो हमारे भैया का ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी है। एक दो तीन चार पाँच और छः, एक सात, दूजे का है दूजे आठ। ले लगा वीडियो जे, ये देखो पानी की कमी, चतुर्देव बन गए सब। ब्रह्मा विष्णु महेश और काल बाबा का मैंने काल बाबा तो पहुंच गए जगह भंडारे जगह पे भंडारे घर पे हैं और का अबे जाओ ना कूद जाल से कभी कूदे नहीं चक्कर ये पूनम भैया सलाद को सजा रही है। इस पे क्या ना फूल रख जाएगा ये गुड फूल, फूल कौन बनाएगा? कंसन नगर कृष्ण नगर अच्छा हाँ वो चौंकिंग चौंक क्या है बाय 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 पूनम ने डिजाइन निकाला भाई सलाद का हल्के में ले रहे हैं बहुत बढ़िया पूनम नींबू तो लगा जाओ दी मक्की बैठ गई गुड शाबाश पूनम बहुत बढ़िया। देखो भाई खाना बन के तैयार है और ये खाना खाने लगे हैं। शैलेंद्र ओमकार शिवम नवीन ये प्रगति हवा कर रही है। सौरभ खाना परस रहे हैं। बड़े भैया ये भी परस रहे हैं। दीदी परस रही है। वो देखो एक तरफ बैठ करके खाना खा रहे हैं। ये पंडित आदमी है भैया सबसे पहले बैठे थे। दो लोग जितनी बार बैठे दो बार बैठ चुके आदमी सब खड़े हो गए लेकिन ये नहीं खड़े हुए अभी तक। अच्छा दो बेर खाओगे और दो और खाओगे अच्छा ए दो रोटी और ले जा भैया। ये देखो देसी रोटियां भाई ये देसी टिक्कड़ भाई घी लगाओ भाई चलें भाई नमक भाई नमक दो नमक ये रखा डब्बा नमक डाल दे इनको चावल डाल दे चावल डालो नमक डालो इनको अरे भाई भाई ओमकार आराम से खाना लैटिन लगने तक मत खाना। वो देखो मुंह नीचे करे खाई रहा भाई कोई देख ना ले कहीं शुभम तो ऊपर देखेगा ही नहीं बिल्कुल भी
एक पीछे साइड में घरवाली मायके गई हुई है इसलिए परेशान है बेचारा। बताओ क्या नाम है उसका, कौन क्या था? अरे सॉरी, इतना परेशान है पर रही है। है कितना परेशान है पूनम हड़ी पीछे से, कितना परेशान है भाई, इतना परेशान है कि दाल टिक्कर खाने पड़ रहे हैं। ओके दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ ग्वालियर की ओर। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं आप वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिर मिलेंगे किसी नए जगह, किसी नए स्थान पर और किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये अन्ना उड़ ले जाने का है।